जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के लाल चौक में फहराया गया तिरंगा, धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। जयपुर से तिरंगा यात्रा लेकर निकले सुखदेव सिंह गोगामेडी ने लाल चौक पर तिरंगा फहराया, साथ ही देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। जिस बात का इंतजार सभी लोग कई दिनों से कर रहे थे कि हेगड़ी निकाल दें हम उस फारूक अब्दुल्ला की, जिसने ये चैलेंज कर रखा था कि कोई लाल चौक के ऊपर नहीं कोई माई का लाल चौक के ऊपर झंडा फहरा के दिखा दे, ऐसे इतना आसान काम नहीं है। और उसके कुछ दिन बाद में 2017 के अंदर उन्होंने बोला था कि लाल चौक के ऊपर किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है जो झंडा फहरा दे। 2018-15 अगस्त आज के दिन, अभी मैं आपको बताऊं, उसके पहले यह जान लीजिए कि कल क्या हुआ था। कल पूरे के पूरे जेके के अंदर जेके मीडिया नाम से जो चैनल चलता है उसने इस चीज को लाइव किया था कि राजस्थान से और बाकी 17 स्टेट से टीमें आई हैं जो कि यहां पे झंडा फहराना चाहती हैं। उस वीडियो को कश्मीर में बहुत ज्यादा शेयर हुआ था और वहां पे भर भर के हिंदुस्तान के खिलाफ गालियां, और उन गालियों के बाद के अंदर और भी ज्यादा मजबूत हो गए राजस्थान से गए हुए शेर। 2 दिन से सुखदेव सिंह गोगामेडी सामने नहीं आ रहे थे क्योंकि पुलिस का ध्यान भटकाने में लगे हुए थे। उनके सेनापति मनोहर सिंह घोड़ीवारा, उमेद सिंह करीरी, और आप जानते हैं कि गोगामेडी का इतिहास क्या रहा है, वो वहां से गए, उनके सेनापति वहां पर, वो पहुंच गए श्रीनगर के अंदर, उनकी अलग अलग टीमें अलग अलग टोलियां बन गई थी। और अभी आप देखिए किस तरीके से सुखदेव सिंह गोगामेडी ने लाल चौक पर, ये लाल चौक हिंदुस्तान का लाल चौक, पाकिस्तान का लाल चौक नहीं है जहां पर झंडा नहीं फहराया जा सके, वहां पर जाकर झंडा फहराया है। स्नाइपर्स लगे पड़े थे उनके पीछे, मगर ये सुखदेव सिंह गोगामेडी हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि वहां पर कोई माई का लाल नहीं जा सकता, गोगामेडी ने कहा था कि तेरे चांटा मार के आऊंगा। फारूक अब्दुल्ला वहां पर दिखाई नहीं दिया, नहीं तो चांटा जरूर खाता, क्योंकि गोगामेडी ने जो कहा था वो कर दिखाया, अब फारूक अब्दुल्ला क्या करेगा। फारूक अब्दुल्ला एक ही चीज करेगा और वो नारा लगाएगा, सुखदेव सिंह गोगामेडी जिंदाबाद, और उसके बाद में नारे लगाता रहेगा, वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय। और याद करेगा कि राजस्थान से निकले शेर, साथ में 17 अलग अलग स्टेट से निकले हुए सेनापति, वहां पे जाकर अगर कोई काम करना चाहें, अपने खुद के देश की धरती पर कोई काम करना चाहें, उनको कोई नहीं रोक सकता। वीडियो देखिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जिंदाबाद। डरने की बात ही नहीं है, जो हमारी रगों में खून है, हमारे पूर्वजों ने इस देश के लिए, गाय के लिए, मंदिर के लिए, इस देश को बचाने के लिए लाखों गर्दनें काटी थी और हजारों कटवाई थी, वही खून हमारी रगों में। भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। मेरे देश के वीर जवानों, 4 दिन पहले क्या कहा था याद है ना? सुखदेव सिंह गोगामेडी ने जब झंडा फहरा दिया था लाल चौक पे जाके, तो एक भविष्यवाणी की गई थी, और वो भविष्यवाणी क्या थी याद है ना? भविष्यवाणी क्या थी सुनिए दोबारा से। गोगामेडी ने जो कहा था वो कर दिखाया, अब फारूक अब्दुल्ला क्या करेगा। फारूक अब्दुल्ला एक ही चीज करेगा और वो नारा लगाएगा, सुखदेव सिंह गोगामेडी जिंदाबाद, और उसके बाद में नारे लगाता रहेगा, वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय। और याद करेगा, अब चार दिन बाद आज फारूक अब्दुल्ला क्या कह रहा है, पहली बार सुना है उसके मुंह से, आप भी सुन लीजिए। भारत माता की। अरे भाई लोगों, ये तुम्हारी आवाज है? और उसके बाद नारे लगाता रहा क्या और उसके बाद में नारे लगाता रहेगा, भारत माता की जय, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। एक बार आप भी लिख दो, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जिंदाबाद। डरने की बात ही नहीं है, जो हमारी रगों में खून है, हमारे पूर्वजों ने
इस देश के लिए, गाय के लिए, मंदिर के लिए, इस देश को बचाने के लिए लाखों गर्दनें काटी थी और हजारों कटवाई थी, वही खून हमारी रगों में। वीरों का वो वीर है सुखदेव सिंह का मेड़ी, सुखदेव सिंह का मेड़ी। बस कहता है राजपूत तुम्हें आगे, वीरों का वो वीर है।